हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्सिम 500 एमजी इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं और इसे किस प्रकार से लेना चाहिए और इसका कितने दिन उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों को आज दोस्तों। टैक्सिम इंजेक्शन आता है एलकम कंपनी का और इसका जो सॉल्ट होता है वो होता है सिफोटैक्सिम सोडियम 500 mg। और इसका एमआरपी देखें तो इसका एमआरपी होता है 21 रुपये 55 पैसे एक वायल का। और दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होता है। ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करके, बैक्टीरिया के संक्रमण को नष्ट करके प्रॉब्लम को ठीक करता है। और इसका उपयोग बहुत सी तकलीफों में किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, दिमागी बुखार, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, गनोरिया की प्रॉब्लम, आँख, नाक, कान, गले में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, फोड़ा, फुंसी, जख्म, घाव को सुखाना, पेट की आंतों में सूजन आना आदि जैसी इन्फेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे लगाने का तरीका दोस्तों, IM और IV दोनों प्रकार से दिया जाता है, यानी कि ये नस में भी लग जाता है और बैक साइड पे भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों, बैक साइड पे लगाने पे इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए इसे ज़्यादातर IV ही दिया जाता है। और ये बॉडी वेट के हिसाब से और एज के हिसाब से दिया जाता है। इसे लगातार 3 दिन या फिर 7 दिन इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट की कंडीशन को देखकर इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग आपने अपनी मर्जी से कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, जी मचलना और खुजली होना, दस्त और इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द होना, घबराहट होना, चक्कर आना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। तो इसे आपने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर्स ही इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स ही लगाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।